स्वागत है सबका सब पढ़ो सब बढ़ो में। तो आज हिंदी की कक्षा वर्तनी शोधन में हम जिसका भाग चार हम करेंगे आज, तो उसके अशुद्ध के शुद्ध रूप आप पढ़ेंगे। तो मुझे विश्वास है कि अब तक हमने जितने भी अशुद्ध शुद्ध पढ़े हैं तो उससे जो है आपका हिंदी में ज्ञान वर्धन जरूर हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है चरण, और चरण जो है अशुद्ध रूप होता है, उसका शुद्ध रूप है चरण, अणा खाली चरण। फिर है प्राण, प्राण ऐसे नहीं लिखे जाते हैं और बोला भी नहीं जाता है, हम बोलते हैं प्राण प्राण, अणा खाली। फिर है उज्ज्वल, उज्ज्वल लिखने में बहुत सारे व्यक्ति त्रुटि करते हैं, और उज्ज्वल अगर किसी का नाम भी होता है तो खुद उज्ज्वल भी कभी कभी त्रुटि कर देते हैं, तो आपको ऐसे लिखना उज्ज्वल, ये नहीं ये उज्ज्वल, दोनों जा आधे आधे हैं। फिर है उपरोक्त, उपरोक्त अशुद्ध होता है उपर्युक्त, उपर्युक्त। सम्मेलन, सम्मेलन का शुद्ध रूप है सम्मेलन, आधी मां आएगी और फिर मेलन सम्मेलन। अच्छा, अच्छा बोलने में जो है दूर से भी और साधारण सुनने में भी हमें अच्छा ही लगता है, लेकिन उसमें होता है आधा च, तो ये है अच्छा। अच्छा जैसे बच्चा कच्चा, उसमें आधी च आती है। फिर है प्रश्न, प्रश्न को बहुत सारे लोग पर्सन बोलते हैं, पर्सन एक पर्सन दो, वो गलत है, आपको लिखना है प्रश्न, और प्रश्न में भी प्र और श जो है आधी है शलजम वाली और न, प्रश्न। फिर है ज्ञान, ज्ञान ये मैंने सबसे ज्यादा देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा इसमें त्रुटि करते हैं, जब भी उनको ज्ञान लिखने को बोलो तो वो इस तरीके से ही लिखते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है, ये है ज्ञान, जैसे ज्ञानी ज्ञान लिखना है आपको। फिर है सीढ़ी, सीढ़ी नहीं होता है सीढ़ी होता है सीढ़ी, तो इस पे हम ढक्कन वाली लिखेंगे सीढ़ी, ये ड़ी है। फिर है हृदय, हृदय को थोड़ा सा आपको सुनना ध्यान से है, और ये थोड़े से बड़े बच्चों को ज्यादा ढंग से समझ आएगा क्योंकि इसमें ध्वनि का उच्चारण है, तो देखिए हृदय बोलते हैं हम हृदय, और इसमें ऋषि ऋषि की मात्रा थोड़ी सी इधर पे आती है, तो आपको ऐसी नहीं डालनी है, आपको इस तरीके से डालनी है हृदय, ठीक है। तो आप जो इस तरीके से शब्दों को लिख करके बोल करके और अपने मन में रख के याद करेंगे तो आपको जरूर ही लिखने आएंगे और आपकी हिंदी शुद्ध होगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप साथ साथ अभ्यास कर रहे होंगे और आपका नया वर्ष बहुत ही सफल हो, बहुत स्वास्थ्य से भरा हो, आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, आप खुश रहें, आपके मन में हमेशा जो है ज्ञान अर्जित करने के लिए एक जिज्ञासा बनी रहे, ताकि आप ज्ञान जो है खुशी लाता है, अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे मन में अगर हमें कैसा भी दुख होता है या हमारे आसपास परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो भी हमें ज्ञान शक्ति देता है कि हम कर सकते हैं। तो बच्चों आगे पढ़ो, सब पढ़ो सब बढ़ो, अपनी परिस्थिति को मत देखिए, अगर किसी की परिस्थिति अनुकूल नहीं है आप अपने पे विश्वास कीजिए, अपने मन पे विश्वास कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।